ओम श्री गणेशाय नमः। लिब्रा यानी तुला राशि। तो आई होप आपको मेरी इस रीडिंग का इंतज़ार था, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं इस चैनल पे एक बार भी करियर रीडिंग बनाई है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये अक्टूबर की रीडिंग है, प्लीज़ जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, और जो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। और एक और बात, मैं लास्ट में एंजल डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है? तो जो भी आपकी सिचुएशन से मिलेगा आप उसको देखिएगा। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके, ठीक है? थोड़ी सी जो चीज़ मुझे, उस एक चीज़ में ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है, और वो ये लगी है कि जल्दबाजी में कुछ भी मत करिएगा। आपकी रीडिंग देख के सिर्फ एक ही चीज़ मुझे नज़र आई है, क्योंकि आपकी रीडिंग में आगे चल के ग्रोथ दिख रही है। आप इस महीने में अच्छा करेंगे, अपने करियर में अच्छा करेंगे, स्टेबल रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी एक चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा ये कि आपको रूड नहीं होना है, ठीक है? रूड नहीं होना है, बिल्कुल भी रूड नहीं होना है। सबके साथ बहुत शांति से और हैप्पीली काम करिएगा। बिल्कुल भी मतलब हाइपर नहीं होना है, या मतलब किसी पे गुस्सा नहीं निकालना है, किसी के साथ गलत तरह से मतलब इन्वॉल्व होकर किसी के ऊपर अपनी बात को फोर्स नहीं करना है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स वैसे तो बहुत वो होती है, क्या कहते हैं, सफिशिएंट होती है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने थ्रोन पे बैठी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हार्श होती है और लोगों को ना दबाने की कोशिश करती है। तो आप भी थोड़ा सा इस तरीके का अपना एटीट्यूड मत रखना। जबकि पेज ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखिए आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आपको आगे चल के इस महीने ग्रोथ मिलेगी। आप कहीं ना कहीं, आपकी तरफ ऑफर भी आएगा कोई नए प्रोजेक्ट का या नई किसी चीज़ का। हो सकता है आप शेयर मार्केट में कुछ आपकी तरफ मनी आए, कुछ ऐसा कुछ आए, कुछ इस तरीके का अच्छा होने वाला है आपके करियर में, मुझे जो नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा वर्ड्स को वाइजली चूज़ करना और लोगों के साथ बिहेवियर में थोड़ा सा सीरियस रहना, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं आपकी जॉब करियर मनी रिगार्डिंग एक गाइडेंस निकालूंगी, देखूंगी। देखिए रिकंसिडर आया है सबसे पहला कार्ड, देन वी हैव लेट गो, और लास्ट आया है नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कोई जल्दबाजी में कुछ ऐसा करने वाले थे या कोई डिसीजन ले रहे थे तो उसे मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ के चलिए, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग चलाइए, और ऐसे हाइपर होकर या मतलब किसी के साथ गलत वो मत रखिए। अपने टेम्परामेंट पे ध्यान रखना, और कोई ऐसा गलत डिसीजन मत लेना अपने जूनियर सीनियर या बिजनेस पार्टनर के लिए। और अगर किसी ने कोई आपके साथ गलती की है, लेट गो करिए, आप लेट गो करिए, वो करे या ना करे आप कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये थी आपकी अक्टूबर की करियर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।